तो अब जैसे ही ये गेट से आएंगे ना, तो यहाँ पे ये है 250 रुपये का टिकट है जो आपको VIP दर्शन हो जाएगा। और ये है बड़ा गणेश, यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं आप। और यहाँ होके आप लेफ्ट जाएंगे ना, इधर से लेफ्ट, तो आपको मेन गेट में अंदर जा पाएंगे। चलो मैं जाता हूँ अंदर दर्शन करने। तो हम लोग थक गए हैं, फिलहाल हम आए हैं रूम पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि फिर खाने भी जाना है और दो तो बज ही रहा है। पर मुझे ये मंदिर, मतलब नो डाउट आप दर्शन अच्छे से कर सकते हो, पर पैसों के लिए इतना दिक्कत है वहाँ पे, मतलब पैसा दो और कुछ भी करवा लो। VIP लाइन है 250 रुपया, 750 रुपया VIP लाइन। और जो नॉर्मल आदमी है, अगर जिसको जाना है नॉर्मल पब्लिक के लिए, जो आपको पैसा नहीं देना है, तो उसमें इतना भीड़ है और कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। पर VIP के लिए है, आप VIP के लिए जाओगे तो आपको अलग से धोती देंगे, अलग से ऊपर का आपको दुपट्टा देंगे, मतलब आप कैसे भी जा सकते हैं, ठीक है। और आपको फुल सेवा मिलेगा, आप कुछ भी पूछो उनसे, और अंदर तक आपको ले जाएंगे, जो गर्भगृह है उनका, वहाँ तक दर्शन होगा, क्योंकि आपने पैसा दिया है। हर जगह पे पैसा, आप अगर दर्शन करने भी जा रहे हैं ना, जैसे प्रसाद चढ़ा रहे हो, तो वहाँ भी कंपलसरी आपको इशारा करके बोलेंगे कि पैसा डालो, तभी जाके आपको प्रसाद देंगे। हमने 100 रुपये डाला, तब जाके उन्होंने हमें प्रसाद में थोड़े बहुत वो जो उनका प्रसाद होता है वो दिया, अदरवाइज वो भी नहीं दे रहे थे। आप पैसा दो तब जाके आपको होगा, मतलब पूरा पैसों का खेल है यहाँ पे। मतलब ठीक है, अपने तो दर्शन के लिए आए थे, और सब क्या करता है कि दे ही देते हैं। मैं तो, अगर मेरा ओपिनियन लो तो VIP लेना ही नहीं है, अगर कोई लेगा ही नहीं तो ये कल्चर ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आप लोगे तभी ये चलेगा। पर लेते हैं लोग, काफ़ी लोग थे, और VIP में भी लंबा लाइन था, मतलब जैसे नॉर्मल पब्लिक के लाइन था उतना VIP में भी लाइन था। क्या ही है, ठीक है, अपने तो कहाँ रोज आना है, कभी कभार आना है तो ठीक है, बाकी लोगों को देखना चाहिए। मतलब बहुत भीड़ था, और चप्पल दूर निकाले थे और धूप इतना था तो रोड पूरा गर्म हो गया था, तो चलने में इतना दिक्कत हो रहा था, पाँव में छाले पड़ गए गर्म होने से, तो चला नहीं जा रहा है। तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे तो शाम को हम निकल पाएंगे। और शाम को मेरा प्लान जो है वो हरसिद्धि माता जो मंदिर है वहाँ पे, जो 1000 के जो दिए जलाते हैं आरती में, तो वो देखने का है। तो वही टाइम पे हम जाएंगे, 7:30 बजे के आसपास आरती होता है, तो देखते हैं कि कितने बजे होता है, मैं एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ, फिर रात का शूट हम वहाँ पर करेंगे। अभी मैं खाने जा रहा हूँ, पर अभी थक गया हूँ तो अभी खाने का मैं शूट नहीं करूँगा, मैं अभी फ़ोन रख के ही जा रहा हूँ चार्ज में, क्योंकि रात को हमें ज़रूरत पड़ेगा। ये गणपति 1,25,000 सुपारी से बने हुए हैं। पूरी सारी की सारी सुपारी है, जैसे ही आते हैं ये वाला मार्केट है जहाँ से सुबह हम आए थे, पर सुबह वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बैग था ना मेरे पास, तो वीडियो बनाया नहीं था। अभी कुछ खाने के लिए देखते हैं, कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए तो। बाकी यहाँ आपको यही रुद्राक्ष का सबसे ज़्यादा मिलेगा, जितना भी शॉप है ना सब वैसा ही है। देखते हैं कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिले तो। तो अभी फ़िलहाल तो मार्केट में थोड़ा निकले हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 3, और अभी थोड़ा आराम करेंगे, फिर शाम को निकलेंगे आरती के लिए। तो सोचा कि चलो अभी कुछ मार्केट में देख लेते हैं यहाँ शॉपिंग करने जैसा कुछ है कि नहीं, क्योंकि फिर तो टाइम मिलेगा नहीं, और कल का प्लानिंग कुछ पता नहीं है, तो देखते हैं कल का क्या करते हैं। भैया ये कितने वाला है? 30 रुपीज के है। अच्छा अच्छा है, 30 रुपीज के है। अभी जो वीडियो में आपने देखा ना, तो वो लड्डू गोपाल का पालकी निकला था, तो उसी का था एक्चुअली। वीडियो में ठीक से दिखा नहीं होगा, छोटे थे तो, पर वो जो था उनका पालकी, तो वो था लड्डू गोपाल जी का। रबड़ी खाने का सोच रहे हैं, पहले पूछते कितना है। रबड़ी कितने का भैया?
अच्छा। कितने का है रबड़ी? हाँ नहीं रबड़ी कराने। हाँ हाँ ये रबड़ी है 50 रुपये का एक, ये दूध है और ये गुलाब जामुन है। ये जो गेट से आएंगे ना अपने, इधर ही है शॉप। ये शाम का नज़ारा कुछ है। अभी मैं फ्रेश होके थोड़ा निकला हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं सिद्धि माता टेम्पल। अभी है शाम का टाइम और हम फ्रेश होके निकल गए हैं, क्योंकि दोपहर को थोड़ा सो गए थे, क्योंकि 2 दिन से हम सोए नहीं थे, तो कल से रात से निकले थे तब से ऐसा ही था। तो हम सोचे कि निकलते हैं, तो अभी थोड़ा फ्रेश हुए, अभी जा रहे हैं सिद्धि माता टेम्पल। वहाँ जाके आरती है 7:30 बजे का, तो अभी देखते हैं हम वहाँ पहुँचते हैं कैसा है। पूरे चढ़ा दो ना 100 रुपये की डलियाँ। ये पूरा कितने का है? 100 रुपये का है। इसमें 20 की चुंदरी है, 20 का सिंगार, 20 का नारियल, 20 का प्रसाद, 10 का फूल, 10 का सिंदूर, 5 की अगर जो रे पूरा चल जाएगा सिंदूर प्रसाद वापस दे देंगे। तो क्या एक लेना? हाँ आके दे देना। चप्पल यहाँ निकाल देना भैया, अच्छा वाला दे दूँ आपको। ये रास्ते के बीच का भैया तो आगे बढ़ते जाइए आप लोग। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। फिलहाल मैं हूं अभी उज्जैन में और आज हमारा दूसरा दिन है। तो कल रात को हमारा काफ़ी लेट हो गया था, रात को अंधेरे में फिर वीडियो नहीं बना पाए थे। तो अभी हम जा रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं काल भैरव, तो यहां से टोटो लेते हैं। अभी बज रहे हैं 11:30, देखते हैं क्योंकि आज तो एक ही लोकेशन है हमारे पास घूमने के लिए, और फिर रात 8 बजे का हमारा ट्रेन है। तो देखते हैं अभी तो फिलहाल यहां से टोटो का कितना लेते हैं। काल भैरव, काल भैरव हाँ 200 1.5 किलोमीटर अर्धकाल मेरो अर्धकाल जाना है कि काल भैरव क्या करना है? काल भैरव ही जाना है। ठीक है काल भैरव ले लीजिए, दो ही है। कितना लीजिएगा? कुछ तो कम कर दीजिए। अगर आप सुनी थे बहुत भीड़ बहुत है, आपके दर्शन की कैपेसिटी है तो मैं दर्शन करा के शिखर दर्शन करा के लूँगा, क्योंकि वहाँ कम से कम बाहर से, क्योंकि 2-2.5 घंटे लाइन में खड़े रह जाएंगे। हाँ अभी तो हमारे पास टाइम है, इसीलिए तो ड्रॉप का है, क्योंकि फिर क्या आपको भी फिर खड़े रहना पड़े, इसके हिसाब से चलना पड़े। मैं तो आपको 200 में ड्रॉप करूँगा। 150 कर दीजिए, चले ड्रॉप ही तो करना है भैया। बैठ जाइए, एक दो सवारी और देखिए। ठीक है, किसी और को लेके जाना है कि सिंगल जाना है? ठीक है ना, किसी और को लेके दो जाने और बिठा लेते दोनों को, मेरा भी फायदा हो जाएगा आपका फायदा। ठीक है 150 में। हाँ दो जाने और बिठा। तो हमने यहाँ पूछा तो उन्होंने यहाँ से 6.5 किलोमीटर हो रहा है, एक्चुअली स्टेशन है ना वो 1.5 किलोमीटर है, पर जो काल भैरव है वो 6.5 किलोमीटर है यहाँ मंदिर से जहाँ पे हम रुके हैं होटल पे। तो उनका उन्होंने 200 बोला है, अगर आप शेयरिंग करोगे, अगर कोई किसी और को बिठाते हैं तो 150 रुपया 2 जन का,
अदरवाइज फिर आप अगर सिंगल सेपरेट करोगे तो उसका लगेगा 200। तो हमने बोला ठीक है, किसी को बिठा लीजिए, हमें क्या दिक्कत है। तो काल भैरव आ गए हैं, यहाँ तो बहुत भीड़ है, महाकालेश्वर से भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लग रहा है मुझे तो। यहाँ पे ऐसे ऐसे पत्थर है ना, तो पाँव में ना बहुत लगते हैं, कल बहुत दिक्कत हुआ था हमें। ये देखिए ये सारा लाइन है ना जो उधर जा रहा है। देखते हैं, 2-3 घंटा तो पक्का लगने वाला है हमारा। बहुत भीड़ है यहाँ पे, ये भीड़ तो देखिए। सुनो सबको ये 50 का है जो दरवाजे के ऊपर लगाते हैं ना अपने, ले लेते हैं क्या एक। तो अभी काल भैरव के दर्शन तो हमने कर लिए, इतना भीड़ था कि मैंने वहाँ कुछ शूट ही नहीं किया, क्योंकि हाथ इतने आप मतलब मैंने प्रसाद पकड़ा था तो कौन से हाथ से शूट करूँ, इसलिए शूट नहीं किया है। पर हमने दर्शन कर लिया है, अब वापस हम जा रहे हैं महाकालेश्वर, क्योंकि हमारा होटल तो वहीं पर है। तो देखते हैं अभी टोटो वाला कितना चार्ज करता है, आते वक्त तो शेयरिंग था तो 150 में हो गया। देखते हैं, यहाँ पर ही बहुत सारा पार्किंग है, मतलब बहुत सारा टोटो तो इधर ही यहीं से मिल जाएगा। महाकालेश्वर 2 जन कितने, 150 ठीक है, 150 तो बोला उसने, और क्या कम करा। तो अभी अच्छा डील हो गया हमारा, 150 में हो गया है। चलो ये वाला टोटो है अपना। भैया दूध का कितना है, 1 करोड़ ये 40 रुपए का एक दूध है। तो फिलहाल मैं अभी आ गया हूँ रूम पे, अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, क्योंकि हम लोग गए थे सुबह निकले थे, क्योंकि आज के दिन में तो कुछ और प्लानिंग था नहीं हमारा, क्योंकि शाम का हमारा ट्रेन है। तो हमने सोचा था कि काल भैरव जाएंगे, तो हम लोग यहाँ से गए, जैसे ही आपने वीडियो में देखा कि हमने वहाँ टोटो बुक किया था, यहाँ जो ई रिक्शा होती है उसको टोटो बोलते हैं, तो टोटो हमने बुक किया था। तो 150 रुपये में गए थे और रिटर्न आते भी 150 हुआ, क्योंकि 6.5 किलोमीटर समथिंग कुछ डिस्टेंस है, आप गूगल में देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, तो आपको बुक तो करना ही पड़ेगा। तो हम गए थे और वहाँ आप ऐसे चलिए कि अगर आप जा रहे हो काल भैरव तो 2 घंटा तो मिनिमम लगेगा, क्योंकि वहाँ इतना लंबा लाइन रहता है तो 2 घंटा तो आपको जाएगा ही, मतलब आने जाने का आधा आधा घंटा पकड़िए, 1 घंटा वो और 2 घंटा, मतलब 3-4 घंटा आपको काल भैरव के लिए लगेगा। मतलब रास्ता इतना सही था नहीं, एकदम मतलब सुनसान एरिया से निकलता है, तो आप अवॉइड कीजिए रात को जाने के लिए, आप बेटर है कि आप दिन के टाइम ही जाइए और शाम होते होते आप ये महाकालेश्वर है वहाँ पे वापस आ जाइए। तो आप वो हिसाब से शेड्यूल करिएगा, क्योंकि वहाँ पे उस तरफ जो काल भैरव है ना, उस तरफ वहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं घूमने का, जो घूमने का है वो महाकालेश्वर की तरफ है। तो आप वही हिसाब से जाइएगा कि ऐसा हो तो सुबह पहले वहाँ जाइए, उसके बाद यहाँ पर पूरा दिन आप स्पेंड कीजिए। तो फिलहाल हम आए हैं, अभी देखते हैं, 2 बज रहा है, खाना बाकी है तो निकलते खाने के लिए। खाने का ज़्यादा ऑप्शन है नहीं यहाँ, 2-3 रेस्टोरेंट जो है आसपास में, 2 दिन से मैं वहीं पे खा रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार एक ही जगह शूट करना अच्छा भी नहीं लगता है। तो
देखते हैं, चलिए फिर कुछ खा के आते हैं, फिर जब निकलेंगे तब शूट करेंगे फिर। तो अभी शाम हो चुका है और 7 बज गए और मैं जा रहा हूँ स्टेशन। तो अभी हम यहाँ से टोटो लेंगे, पता नहीं 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस से कितना चार्ज करेंगे, क्योंकि 8 बजे का ट्रेन है जो सुबह हमें 4 बजे छोड़ेगा अहमदाबाद। तो देखते हैं, पहले उनसे मैं पूछ लेता हूँ कितना लेते हैं। स्टेशन कितना? 50 रुपये। दो जन है, खोल दीजिए। हाँ भैया खोल दीजिए। खुला ही है। तो स्टेशन पे तो हम आ गए हैं, 50 रुपया लिया था, ज्यादा लिया नहीं था। हमारा ट्रेन आ रहा है, ये वाला जो है ना अहमदाबाद एक्सप्रेस, वो वाला है 8 बजे, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगा। चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4। पब्लिक भी है काफ़ी सारा। हाँ यहाँ से ये प्लेटफॉर्म 1 है, हमें जाना है उस तरफ प्लेटफॉर्म 4 पे। यह उज्जैन जंक्शन। तो अगर आप महाकालेश्वर से आते हैं ना स्टेशन, तो 50 रुपये से ज़्यादा लेते नहीं हैं, तो ध्यान रखना। हमें जाना है इस तरफ 4 पे। हमें जाना है 4 पे, यहाँ से नीचे। यहाँ अच्छा स्लोप बना है, ताकि सीढ़ी होगा ना तो आप सामान लेके उतर नहीं पाएंगे, बस स्लोप है ना तो आप उतर पाएंगे। जा रहे ट्रेन कौन सी है? जोधपुर। हाँ भीड़ तो दिख रहा है, एक्चुअली अहमदाबाद जाना है ना तो भीड़ तो रहेगा ही, पर ठीक है, अपना टिकट कंफर्म है तो दिक्कत नहीं है। कितना भैया खमन का? 20 दे दीजिए। नहीं तो दो, एक एक दे दीजिए, एक ही दीजिए अभी, दे दीजिए इनका। तो अभी हम पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 के ऊपर, जैसे आपको बताया। और ये पीछे जो जा रही है ना ट्रेन, वो जा रही है असारवा अहमदाबाद। तो एक्चुअली आपको बता दूं, असारवा जो है वो अहमदाबाद के अंदर ही है, पर वो अलग स्टेशन है, वो अहमदाबाद जंक्शन जो है कालूपुर का, वहाँ होके नहीं जाएगी, वो अलग एरिया है। तो आप बुक कीजिए तो वही देख के बुक कीजिएगा कि अहमदाबाद जंक्शन है या फिर असारवा है, कि उसके बाद फिर हमारा ट्रेन आएगा, क्योंकि हमारा है 8 बजे और अभी हो रहा है 7:40। अभी ये ट्रेन में एक अच्छा कर दिया है कि अगर आपको ऑर्डर करना है ना तो आप अलग से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमने भी ऐसा ही किया है, हमने रात का खाने का जो ऑर्डर है वो ऑनलाइन किया, पता नहीं आता है कि नहीं, वो वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि टाइमिंग इतना छोटा रहता है ना स्टेशन के ऊपर कि वो लोग पहुँच पाते हैं कि नहीं पता नहीं। तो आएगा तो मैं पक्का आपको शेयर करूँगा कि आप ऑर्डर कर सकते हो कि नहीं ऑनलाइन। अभी हमारा हम लोग पिछले जो ट्रेन खड़ा था ना उसका नंबर देख के उस तरफ गए थे B2 पे, पर अभी चेंज होके ये ट्रेन का हमारा हो गया आगे की तरफ, तो वापस चल के हम लोग आ रहे हैं। तो अभी वापस हम लोग जा रहे हैं, ये S1 है, अब हमें जाना है B2 बहुत आगे, मतलब वही हुआ जितना हम चल के आए हैं ना उतना वापस जाना पड़ रहा है। हम लोग इस तरफ काफ़ी आगे चले गए थे, अब वापस हम लोग जा रहे हैं इस तरफ जहाँ से हम आए थे। क्या ना यार, सब ट्रेन का ना अलग अलग रहता है यार, समझ नहीं आता है। ये होगा अपना B2। तो आ चुकी है, सीट भी मिल गया है, अभी ट्रेन रुका है। ये वाला हमारा है 2 नंबर और एक नीचे वाला है। वैसे भी ज़्यादा टाइम है नहीं, अभी बज रहे हैं 8।
ठीक है देखते हैं अभी तो फिर क्या ही करेंगे सब सो जाएंगे तो। आपको पता चल गया होगा मैं पहुंच गया हूं अहमदाबाद जंक्शन और अभी फिर मुझे कैब लेके जाना है गांधीनगर, तो अभी और हमारा एक घंटा लग जाएगा और ट्रेन इतना घटिया था, इधर आ जाओ, इतना घटिया था, टॉयलेट का दरवाज़ा टूटा हुआ था और सर्विस इतना बेकार था। मैंने एक कंप्लेंट कॉल भी किया जो नंबर दिया था और उस पर कॉल ही नहीं लग रहा था, तो बेकार मेरा एक्सपीरियंस रहा। वैसे मैं ज़्यादा ट्रैवल करता नहीं हूँ ट्रेन में, पर फिर भी आज मैंने किया, पर वो भी मेरा बेकार रहा एक्सपीरियंस। ये है अहमदाबाद जंक्शन।